गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हार्दिक शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे आज से इस प्रेजेंटेशन में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 12 और 13 तारीख का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट डेट्स और आज की हमारी कंट्री। अभी हम यूरोपियन यूनियन कवर कर रहे हैं तो उसकी एक कंट्री जो है हम आज डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मंडे से शुरू करते हैं हमारे इस वीक का पहला सेशन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन दोस्तों एक 27 कंट्री का ग्रुप है, यूरोप की 27 कंट्रियां हैं ये। और यहाँ पे क्योंकि ये ग्रुप है तो यहाँ पे जितने भी कंट्रीज में जो है फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल है, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट ऑफ सर्विसेस है और फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल है विद इन द इंटरनल मार्केट। ईयू यानी यूरोपियन यूनियन को एस्टेब्लिश हुआ था 1993 में मैस्ट्रिच ट्रीटी के तहत, और ईयू से पहले एक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी थी जो बनी थी 1957 में ट्रीटी ऑफ रोम के तहत। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को रिप्लेस करा था यूरोपियन यूनियन ने 1993 में। यूरोपियन यूनियन की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स, और इन 27 कंट्रीज में से जो 19 कंट्रीज हैं उसमें यूरो ऐसा करेंसी चलता है, तो उन 19 कंट्री को यूरो जोन भी कहते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गेरिया, क्रोएशिया, फ्रांस, स्लोवाकिया, फिनलैंड, आयरलैंड, स्वीडन जैसी कंट्रियां जो हैं यूरोपियन यूनियन को मिलके बनाती हैं। तो जो आज की हमारी कंट्री है वो है लिथुनिया। इससे पहले हमने लातविया डिस्कस करी थी और अब हम लिथुनिया डिस्कस करेंगे। लिथुनिया जो है एक बाल्टिक रीजन है, बाल्टिक रीजन कंट्री है यूरोप में, जो बाल्टिक सी है उसके आसपास जो है ये लिथुनिया आती है। कभी हम आगे जाके बाल्टिक रीजन को भी डिस्कस करेंगे। लिथुनिया की जो कैपिटल है वो है विल्नस, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो लिथुनियन है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो गीतानास न्यूसेदा है। यहाँ की जो लेजिस्लेचर है उसका नाम है सियामास, और यहाँ की जो करेंसी है ये यूरो है, तो ये यूरो जोन कंट्री भी है। अब दोस्तों यहां से एक सवाल पूछूंगा, कल हमने लातविया या परसों हमने लातविया डिस्कस करी थी, तो वहां की लेजिस्लेचर का नाम क्या है, यानी वहां के पार्लियामेंट का नाम क्या है? अगर आपको याद हो तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किन मूवीज के लिए लेट सरोज खान जी को नेशनल अवार्ड मिला था? और एक और क्वेश्चन यहां बनता है कि कितने अवार्ड जो है नेशनल अवार्ड सरोज खान जी को फॉर द बेस्ट कोरियोग्राफर जो है मिले हैं। इसका जवाब आपको पता हो तो कमेंट करके पहले बताइएगा, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं, उन्हें 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। पहला उन्हें मिला था ढोला रे ढोला देवदास के लिए, फिर उन्हें मिला था जब भी मेट के लिए, ये इश्क हाय गाने के लिए, और एक तमिल फिल्म थी श्री नगरम जो है ये तमिल फिल्म थी, और इसके लिए उन्हें उसकी सारी गानों के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। तो कुल 3 अवार्ड जो हैं वो उन्हें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ राम जन्मभूमि ट्रस्ट? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नए चेयरमैन या पहले चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? अगर आपको इसका जवाब पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जवाब है नृत्य गोपाल दास जी। नृत्य गोपाल दास जी चेयरमैन है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम अकॉर्डिंग टू क्राउड कैपेसिटी? तो क्राउड कैपेसिटी के हिसाब से वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? इसका जवाब दोस्तों दीजिएगा, फिर क्रॉस चेक कीजिएगा। इसका जवाब है जी हाँ, मोटेरा स्टेडियम गुजरात में है, और यहां पे 1,15,000 लोगों को बैठाने की कैपेसिटी है। चलिए तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज के। अब हम देख लेते हैं हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करा है मल्टीलेटरल मालाबार नेवल एक्सरसाइज के लिए। जो मालाबार एक्सरसाइज है ये पहले इंडिया और यूएसए के बीच में होती थी,
फिर इसको 2015 में जो है चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव, इंडियन ओशन पे जो चाइना का प्रभाव था वो बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए जापान ने 2015 में जो है इसे ज्वाइन कर लिया था। और अब जो है इस साल से जो है ऑस्ट्रेलिया भी जो है इसका, इस मालाबार नेवल एक्सरसाइज का जो है वो पार्ट बनेगा। और इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, यानी क्वाड ग्रुप को बिलोंग भी करते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्या है? ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और इसमें रेगुलर समिट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती हैं और मिलिट्री ड्रिल्स होती हैं इन चारों कंट्रीज के बीच में। तो ये ऐसी पहली मालाबार एक्सरसाइज होने वाली है इस साल जिसमें ये चारों कंट्री, क्वाड ग्रुप की जितनी भी कंट्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और ये जो क्वाड फोरम है, ये इसका पहला डायलॉग जो हुआ था वो 2007 में हुआ था और इसकी शुरुआत करी गई थी प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के द्वारा, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी रिलायंस इंडस्ट्री ने जो बीपी मोबिलिटी है, ये ब्रिटिश पेट्रोलियम है, रिलायंस ने ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ मिलके रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड करके एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है। और ये ज्वाइंट वेंचर जो रहेगा वो फ्यूल, रिटेलिंग फ्यूल जो होता है और जो एयरक्राफ्ट फ्यूल होता है उसमें जो है ये ज्वाइंट वेंचर रहेगा, रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर रहेगा। और इसमें क्या होगा कि रिलायंस के 1400 रिटेल आउटलेट्स थे वो इंक्रीज हो गए, 5500 रिटेल आउटलेट्स जो है हो जाएंगे इसके आने वाले 5 सालों में। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये ब्रिटिश पेट्रोलियम का रिलायंस के साथ। और ये किसके लिए है? रिटेलिंग फ्यूल और एयरक्राफ्ट फ्यूल के लिए इंडिया में। आगे है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है असीम पोर्टल। ये एक जॉब ओरिएंटेड पोर्टल है जो कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उन्हें उनकी स्किल के हिसाब से जो है वर्क प्रोवाइड करवाएगा। और असीम का मतलब है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। इससे आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में उनके स्किल के हिसाब से मैपिंग कर दी जाएगी और इस टाइम, इस कोरोना क्राइसिस के टाइम में वो अपने एम्प्लॉयमेंट जो है अपने स्किल के हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं, या माइग्रेंट वर्कर को यहाँ पे अपने स्किल के हिसाब से वर्क मिल सकता है। नेक्स्ट है, जैसे अपने इंडिया की रणजी ट्रॉफी होती है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में रणजी ट्रॉफी, यानी जो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी होती है वो, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में होता है शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट, मतलब वहां की रणजी ट्रॉफी है। तो वहां पे जो है न्यू साउथ वेल्स को चैंपियन डिक्लेयर कर दिया गया है। कोरोना की वजह से सारे मैचेस हो नहीं पाए थे तो जो वहां पे जो टॉप टीम थी उस समय वो थी न्यू साउथ वेल्स, तो उसे इस सीजन का चैंपियन डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये 118वां सीजन था इस टूर्नामेंट का, मतलब काफी पुराना टूर्नामेंट है ये शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया का। और न्यू साउथ वेल्स की टीम ने ये 47 टाइम है जो कि ये चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इंडिया की है उसने कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अलाउ कर दिया है। तो ये कोरोना कवच हेल्थ पॉलिसी क्या है इसको अपन देखते हैं। इसमें जितने भी 29 जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है उन्हें ये शॉर्ट टर्म कोरोना कवच हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अलाउ कर दिया है। और इसमें अगर आगे देखें अपन तो ये मेडिकल कवर एक्सपेंसेस, जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस जो कि कोरोना डिसीज के समय होंगे उनको कवर करता है ये। और इसमें जो श्रम इंश्योर्ड होता है इस पॉलिसी में वो 50,000 से लेकर 5 लाख रुपीज तक जो है श्रम इसमें आपको जो है ऐसा पॉलिसी के तहत मिलता है। और इससे पहले यही देखते हुए कोरोना कवच पॉलिसीज जो हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं, जिसमें कि 3.5 मंथ, 6.5 मंथ और 9.5 मंथ की जो पॉलिसी जो है ले सकते हैं। और ये पॉलिसी 18 से 65 साल के लोगों के बीच में है और ये कोई भी इंसान जो है अपने लिए, अपने बेटर हाफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, मदर इन लॉ, पेरेंट जो जो अपने पेरेंट्स इन लॉ हैं उन सब के लिए जो है, डिपेंडेंट्स के लिए ये ले सकता है।
अगर हम इरडा की बात करें तो यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इरडाई जो है, इसका फाउंडेशन 1999 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हैदराबाद में है और इसके जो चेयरमैन है वो है सुभाष चंद्र कुंतिया जी। तो कोरोना कवच है, ये पॉलिसी जिसको लेनी हो वो ले सकता है, और ये जानकारी थी पूरी एडाई के बारे में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इस साल जो जुलाई में 513.5 बिलियन डॉलर्स तक जो है पहुंच गया है, तो रिकॉर्ड हाई है, और इसमें 6.47 बिलियन डॉलर का जो है एक ग्रोथ हुई है। तो अब ये होके 513.25 बिलियन डॉलर जो है ये हो चुका है। और जो इंडिया का फॉरेन रिजर्व है वो चार चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो करता है वो गोल्ड रिजर्व्स पे, फॉरेन करेंसी पे, उसके बाद स्टैंडर्ड मार्जिन पे करता है, उसके बाद रिवर्स ट्रेंच पे करता है। इन चारों चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। अभी इंडिया में 2018 में टाइगर का सेंसस हुआ था, और वो सेंसस जो है तो वो काउंटिंग जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये सेंसस करने के लिए जितने नंबर ऑफ कैमरे लगाए गए थे वो अभी तक के किए गए किसी भी सर्वे में किसी भी कंट्री के द्वारा सबसे ज्यादा कैमरे यूज हुए हैं किसी भी वाइल्ड लाइफ सर्वे के लिए। तो जो सर्वे हुआ था उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैमरेज आर यूज्ड फॉर ट्रैपिंग द वाइल्ड लाइफ, इसलिए ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस सर्वे का नाम, जो सेंसस हुआ था 2018 में, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम लिया है। 2006 से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सेंसस करवाती है हर 4 साल में, और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये दोनों मिलके ये सेंसस करवाती है। जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो NGOs है उनके साथ मिलके जो है ये दोनों अथॉरिटी NTCA और WII मिलके हर 4 साल में एक बार टाइगर सेंसस करवाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंगापुर में नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, और नए प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो है ली सेंग लुंग। यस, ली सेन लुंग जो है ये वहां के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, और ली सेंग लुंग जो है ये वहां के ऐसे तीसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने फोर्थ टर्म ऑफ इलेक्शन जीता है। इससे पहले वो 3 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, और उनका चौथा टर्म होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। MP गवर्नमेंट ने शुरू करी है एक योजना जिसका नाम रखा गया है मेरा घर मेरा विद्यालय। इसमें जो स्टूडेंट्स होंगे, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो अपने घर में ही बैठ के जो है पढ़ाई कर सकते हैं, और उन्हें एक स्कूल लाइक एटमोसफेयर वहां पर जो है प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बुक डिलीवरिंग और स्टडी मटेरियल घर तक पहुंचाने का काम जो है स्कूल के टीचर और स्टाफ का है, और इसमें घर में बच्चे जो है स्कूल के बैठ के ही मेरा विद्यालय मेरा घर मेरा विद्यालय स्कीम के तहत घर में ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये MP गवर्नमेंट ने ये योजना या पहल जो है शुरू करी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 टेररिस्ट को मार गिराया गया है, और वहां से एम्यूनिशन के साथ साथ पाकिस्तान करेंसी भी जो है वो रिकवर करी गई है। आगे देखते हैं। उत्तराखंड के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वहां पे एक साइंस पार्क का सेटअप किया गया है। तो कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई उत्तराखंड में या साइंस पार्क कहाँ सेटअप करा गया है रिसेंटली, तो उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में ये सेटअप किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हमारी अभी DGCI है यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उसने इटोली जुम्बा करके जो इंजेक्शन है उसे अलाउ कर दिया है रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए, रिस्ट्रिक्टेड एमरजेंसी यूज के लिए COVID-19 पेशेंट्स पे। तो जिनके पास मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मतलब जिन्हें
सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जो मॉडरेट से सीवियर में इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो उन्हें जो है ये इटोलिजुम्बा इंजेक्शन जो है वो दिया जाएगा अब से। ये जो ड्रग है, ये जो इंजेक्शन है, ये स्किन क्योर, स्किन की एक बीमारी होती है सोरासिस जो होती है, उसके लिए ये ड्रग जो है, ये इंजेक्शन जो है ये दिया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे DGCI की, यानी द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसके जो DGCI है यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो है डॉक्टर वीजी सोमानी। और DGCI का काम है लाइसेंसिंग करना, ड्रग की लाइसेंसिंग करना, जो कि ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स में आती है, उन ड्रग्स की लाइसेंसिंग करना, IV फ्रूट की लाइसेंसिंग करना, वैक्सीन की लाइसेंसिंग करना, सीरा की जो है लाइसेंसिंग करना जो है, मतलब जितने भी ड्रग्स हैं उसकी लाइसेंसिंग का काम जो है वो DGCI करती है। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स हैं, सेल इम्पोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन इंडिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन करना इंडिया में, तो उसका जो स्टैंडर्ड सेट करने का काम भी DGCI करता है। तो वो अगर DGCI को यहाँ पे समराइज करें तो वो लाइसेंसिंग भी करता है ड्रग्स की, और ड्रग्स का जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो भी सेट करता है DGCI। तो ये है सिंपल था DGCI के बारे में। इसके जो अभी हेड हैं DGCI जो है वो है डॉक्टर वीजी सोमानी। और ये जो इंजेक्शन है इटोलिजुम्बा इंजेक्शन, ये स्किन से रिलेटेड एक बीमारी होती है सोरायसिस, उसको ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। और ये मॉडरेट टू सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो COVID-19 पेशेंट में पाया गया है, उनको ये अब दिया जा सकता है। आगे देख लेते हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है दोस्तों, ये उत्तराखंड में शुरू हुई है और इसमें अभी 1500 एप्लीकेंट्स जो हैं, ये इसमें एप्लीकेशन जो है आई हैं, और ये भी जो है स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट देने की पहल करी गई है माइग्रेंट लेबर्स को फ्रॉम उत्तराखंड गवर्नमेंट, और ये है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। आगे देख लेते हैं, फुटबॉल के बहुत ही महान खिलाड़ी जैक चार्ल्टन जो हैं, उनका निधन हो गया है। वो इंग्लैंड के 1966 के वर्ल्ड कप हीरो थे, और इंग्लैंड ने 1966 का वर्ल्ड कप जो है जीता था, वेस्ट जर्मनी को फाइनल में उन्होंने हराया था। और ये अभी तक 1966 का जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड का सिर्फ एकमात्र जीता गया वर्ल्ड कप है फीफा का, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है। तो ये बहुत स्पेशल खिलाड़ी रहे हैं, बहुत स्पेशल पर्सनालिटी रहे फुटबॉल की भी और इंग्लैंड के लिए खासकर। 1966 के वर्ल्ड कप हीरो थे इंग्लैंड के, इनका निधन हो गया है जैक चार्ल्टन। आगे देख लेते हैं, यशस्वी सोनी है एक स्टूडेंट है ये जोधपुर की, इनको इंडिया के बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जगह मिली है। अब इनका रिकॉर्ड क्या है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनका जो रिकॉर्ड है वो उन्होंने अभी तक थर्ड क्लास से ट्वेल्थ क्लास तक एक भी छुट्टी नहीं ली है, मतलब जो जनरल हॉलीडे को छोड़ के उन्होंने और कोई अपनी तरफ से हॉलीडे नहीं लिया है। तो इसलिए उन्हें इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा जो है इसमें सम्मानित किया गया है, उसमें उनकी जगह मिली है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, आज के इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 1 तारीख को वर्ल्ड डॉक्टर डे, 1 तारीख को वर्ल्ड सीए डे आता है, 6 तारीख को वर्ल्ड जूनूस डे आता है, 11 तारीख को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था, 17 तारीख को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस आने वाला है, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे भी जो है 18 जुलाई को आने वाला है, और 28 तारीख को ही वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है आने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने 2 दिन का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर करा, साथ ही हमने देखे इम्पोर्टेंट डेट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आज की हमारे कंटेंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा, स्पीक का पहला सेशन अच्छा लगा होगा और साउंड क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि साउंड क्वालिटी कैसी रही इस बार की। तो दोस्तों ये था हमारा आपका आज का सेशन, आई होप यू ऑल लाइक दिट। Thank you for watching the channel. Thank you and have a nice day.